ये देखें छली मैंने खा ली है, हमें तो दी नहीं है, आपके लिए लेने भाभी गई। अब मैंने रोटी खा ली, अब क्या फायदा? कोई बात नहीं, रख लेना फिर जिस टाइम दिल करे, जिस टाइम दिल करे आप बदल जाता है। ठीक है, और ये असली प्योर जी घी है, देसी घर का बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये शाम की हो चुकी है जी चार, हाँ जी पूरे चार हो चुके हैं। तो बहुत प्यारी धूप है जी, यहाँ ये देख इधर देख, ये देखा जी मेरे मुँह के ऊपर पड़ती है फिर पता चलता है इस साइड पर जी धूप है और इस साइड पर जी छाव है, और बहुत प्यारा मौसम है। और इधर जी बाजी ने सुबह के काले चने, काले चने जी भिगो के रखे हुए हैं, ये देखे जी आज ये बनेंगे, दिखाए। ये देखे जी सलमान भी आ गया, सलमान आया है मेरे बड़े भाई के साथ, है ना? तो ये पता नहीं आप कब तक रुकता है जी। तो मौसम दिखाते हैं और आपको अंदर भी दिखाते हैं सारा कुछ, और आज शेयर करेंगे जी खास रेसिपी और सारा शाम तक रूटीन। ये देखे जी सामने सूरज है अभी, और धूप देखे जी, ये देखे जी धूप बहुत प्यारी धूप लग रही है जी, सर्दियों वाली जी दोपहर लग रही है। चेंज हो गया जी मौसम काफ़ी ज़्यादा, और आसमान क्लियर है जी। चलें लेके अंदर चलते हैं जी, सलमान भी मेरे साथ है, आगे आगे है, और बाजी इधर जी प्याज वगैरह छील रही हैं। तो मैं करती हूँ जी इसको वाश कर लूँ बाजी, वाश कर लेते हैं जी। आ जाओ सलमान आप भी, हाय जी सलमान आया, हमारा दिल खुश हो गया। ये हैं जी चने, और सबसे पहले इनको वाश करेंगे जी। तो अभी भाई देखे जी हमने अपना सारा सामान जो है रेसिपी का जी पास रख लिया है, और आज हम बना रहे थे काले चने स्पेशल। सलमान आज मेरे साथ बनाएगा हंडिया। सलमान बैठ गया जी शाम में, तो सबसे पहले जी आग जलाते हैं, ओ बुझ जाएगी क्योंकि सामने जी बहुत तेज हवा है, दरवाजा खुला है, दरवाजे से हवा आ रही है। ये देखे जी बहुत मुश्किल से जी आग जल चुकी है, शुक्र शुक्र किया जी। तो सबसे पहले डालेंगे जी चने, और चने जी हमारे एक पाव पानी समेत जी हमने चने डाल दिए हैं। तो जब हम दाल और चने बनाते हैं तो हमारे एक पाव होते हैं, जब हमारा गोश्त या सब्जी बनती है तो वो हमारे दो दो किलो होते हैं, क्योंकि जो चने और दाल जी बच्चे कम खाते हैं और एक टाइम पे खाते हैं, तो लेकिन जी हम तो बड़े शौक से खाते हैं। तो इसमें डालेंगे जी तीन अदद प्याज बड़े जी, ये भी डाल देंगे बिस्मिल्लाह। हर चीज़ को जी वाश कर ली है, वाश करना बहुत जरूरी है। ये है जी लहसुन, और ये एक बड़ा जवा जो है वो लहसुन का गट्ठा है जी, पूरी पूरी एक गट्ठी है। तो ये भी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालते हैं जी अपने मसाला जार, सबसे पहले डालेंगे जी एक चम्मच नमक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक चम्मच सुर्ख मिर्च, और आधा चम्मच हल्दी, और ये एक चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया। ये है जी एक चम्मच गर्म मसाला, और इधर देखें भाई ये सलमान देख रहे हैं बड़े गौर से रेसिपी, तो मेरी फुफी बना रही है। चने आप खाते हो? पानी और हाँ पानी डालना, सॉरी बाजी मुझे डाल रही है जी पानी और डालूंगी। इसमें डालेंगे जी ये जो कप है हमारा बड़ा, ये पहले तकरीबन एक पानी उसमें पहले डाला हुआ है चना समेत जो डाला है जी, और ये एक और डाल देते हैं, और ये देखिए जी चार कप के बराबर मैंने पानी डाला है। ये हंडिया जी मैंने भरती है, अब इसके ऊपर दे देंगे जी ढक्कन। तो अब इसके ऊपर जी इस तरह हंडिया के ऊपर ढक्कन देंगे ताकि पानी उबल के बाहर ना आ जाए। तो अब जी तकरीबन एक घंटे के लिए या सवा घंटे के लिए जी हम इसको इसी तरह रहने के जो सास चेक करते रहेंगे पानी ना आ जाए। छली मैंने खा ली है, हमें तो दी नहीं है, आपके लिए लेने भाभी गई है। अब मैंने रोटी खा ली, अब क्या फायदा? कोई बात नहीं रख लेना फिर जिस टाइम दिल करे, जिस टाइम दिल करे आप बदल जाता है। ठीक है, फ्रेश कर लेके आएंगे ना स्कूल से जब आएंगे ना, फिर विवाह जब ये मुझे लेने जाते हैं वहाँ पे छली वाला खड़ा होता है, रोज ही होता है। हाँ जी, तो ये कभी कभी वैसे लेते हैं, पहले तो अक्सर वहाँ पे खा रहे होते थे जब मैं आती हूँ। तो कह रहे थे मैं उबली खाती हूँ, मैं ये खाती हूँ। उबली नहीं है उसके पास, उबली लेके आया ना, बड़ी टेस्टी होती है। अब मौसम चेंज हो गया जी, अब दिल करता है कि उबली हुई छलियाँ खाए, छलियों का सीजन आ चुका है। ये सलमान केले लेके आया, चाचू ने लेके दिया, बैठ के खाओ केले, खाओ भाई केले। ये केले बड़े शौक से खाता है। अच्छा जी जी, कितने वो कितने मिले दर्जन?
ये देखे जी दर्जन पूरे, एक दर्जन पूरे केले आए हैं 100 के, एक 100 रुपए के दर्जन, एक पूरे 100 रुपए के दर्जन जी। ये जी छली भी आ रही है, तुसी भी मांग रहे जी छली केले ले लो जी, केले सारे सुलेमान के हैं, सारे दे सुलेमान को, सुलेमान को भी दे जी छली। ये सारे ना सुलेमान के नहीं है, हाँ किसके है फिर? मेरे नहीं, सुलेमान को दे आप, सलमान नीचे जाता है ना जब आपकी चीज मांगता है, बताना होता ना कैसे खाते हैं केला, आप बताने बताने में सारे केले खा जाएंगे। ऐसे खाते हैं केला, ऐसे पकड़ के, ये सलमान को आता है खाना, सलमान को आता है, खाता है वो। कैसे खाता है वो, हाथ से उतार कर फिर आप भी खाए ना सलमान, सुबह लेके आऊंगा मुझे भी थोड़ा सा दे दे, नहीं ये यहाँ से मेरे हाथ नहीं है ना खाने होते हैं ये इतना नहीं, ये वाला दे दे बड़ी तू बहन, मैं नुना खाना पहले कम हो गया आपको केला इतना सा लेने से, वो ना पूरे खाने होते हैं दो। सलमान बोलो मेरे केले हैं रख दे, हैं और ले आऊंगा खाने के लिए चेयर पे बैठना जी। अच्छा इसलिए चेयर पे बैठना है, तुसी आप दूसरी चेयर ले आओ, तुसी ठहरो मैं दूसरी चेयर ले आते रख। तो अभी बस ये देखिए जी, 1 घंटा पूरा हो चुका है, 6 बज चुके हैं, तो हमारे चने देखे जी इसकी कंडीशन देखते हैं किस तरह की है, बन चुकी है जी। ये देखें जी थोड़ा थोड़ी सी कसर बाकी है जी, और पानी भी है इसमें, तो अब इसमें डालते हैं जी हम चने, ओ सॉरी जी टमाटर ये जी एक अदर बड़ा टमाटर है ये डाल देते हैं, ये एक अदर टमाटर है जी ये भी डाल देते हैं आप साथ ही। शाम हो गई है, मगरिब की अजान हो चुकी है, तो देखे जी आज 6 बजे जी सूरज आ जाता है, तो बाजी यहाँ पे जी आटा गूंदने लगी है, और अब आटा जी उसके बाद रोटी बनेगी, तो बनाएगी जी आज रोटी, क्योंकि सारे कहने जी चले हैं, तो आज तंदूर वाली रोटी बनाई। देखे जी आज बहुत जल्दी दिन निकल गया है, आज पे जी हंडिया घी है देसी घर का बना हुआ, तो आप इसमें डालेंगे जी ये 1 चम्मच है जी ये अदरक का पेस्ट, और ये डालेंगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देसी घी जी पहले डाल दिया है, तो अब इसमें हमने डाला है जी अदरक का पेस्ट, तो अब डालेंगे जी इसमें दही, और दही है जी 1 प्याली पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अभी मैं बाजी जी रोटी बना रही है तवे के ऊपर ही जी रोटी बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया जी खाना, तो तंदूरी वाला जी प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब डालेंगे जी सब मिर्चे। और ये है जी काली मिर्च 1 चम्मच डाल देते हैं, और ये है जी जीरा और 1 चम्मच ये भी डाल देते हैं, और अब इसकी जी बहुत अच्छे से हमने भुनाई कर ली है, बस थोड़ा सा घी आता है, तो बस इसमें डालेंगे धनिया, और हमारी धनिया जी तैयार है, और रोटियां भी जी हमारी तैयार है, और शाम के 7:15 हो चुके हैं, उसके बाद जी फिर खाना लगाते हैं। ये देखिए बस हमारी हंडिया जी तैयार हो चुकी है, घी ऊपर आ चुका है, तो अब चूल्हा जी बंद कर देते हैं, अब इसमें जी सिर्फ धनिया डालना है, और देखिए जी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है, इसके ऊपर जी दे देते हैं ढक्कन, और रोटियां बनती हैं, फिर दस्तरखान लगाते हैं, सलमान को भी खाना देते हैं, खुद भी खाते हैं, हाँ ये जैसे घी का डब्बा है जी इसमें ये देखेंगे, और इसमें आज हमने खाना बनाया, तो भी बस मैंने डाल दिया है, और इधर सलमान बहुत ज्यादा शरारते कर रहा है, गिरा शुक्र है गिरा नहीं है, बस तो अब लगाने लगे जी यहाँ पे दस्तरखान, और फिर खाना जी शेयर करके हम खाने लगे, खाना लगने लगा जी, और चटाई इधर से सलमान जी खाने ही नहीं लगाने दे रहा, बड़ी शरारते कर रहा है।
सलमान लगा लिया जी, और हमारी हलिया भी बन चुकी है, और सलमान भी बहुत शोर करता है, उसे थोड़ी देर के अंदर भेजा है ताकि जल्दी जल्दी वीडियो में शोर ना आए। और हम अपनी आपको रेसिपी दिखा देंगे। देखिए जी माशाल्लाह इसकी लुक देखें जी। आज जी हमने बनाई हंडिया देसी घी में और मिट्टी वाली हंडिया में, तो माशाल्लाह लुक से बहुत ज़बरदस्त हंडिया लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो डालते हैं जी ये मसालेदार चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें से आपको डाल के देंगे सब्ज मिर्चें। खुशबू आ रही है, आ रही है खुशबू। हाँ जी, एक देसी घी के, दूसरे मसालों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना देखे जी डाल चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 7:05 हो चुके हैं, तो काफ़ी टाइम हो चुका है जी। लेकिन शुक्र अलहमदा जी खाना बन हो चुका है, तो टाइम से ही बन गया फिर भी। तो शाम की हांडी रोटी तैयार हो चुकी है जी। हांडी हांडिया में बने हैं, कच्ची हांडी में, और रोटी जी तंदूर में नहीं बना सकी क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा लेट हो जाना था, तो चले जी तवे के साथ, तवे वाली रोटी जी खा लो। फिर जब टाइम ज़्यादा होगा ना फिर बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बस हंडिया वाला टेस्ट है, दूसरा देसी घी का है, और तीसरा मसालों का, बहुत लाजवाब। हाँ जी माशाल्लाह जी, जब हंडिया में हम बनाते हैं जी चने ब्लैक या वाइट, तो उनका जी अलग ही टेस्ट होता है। आज जी काफ़ी दिनों से घर वाले कह रहे थे देसी घी में बनाए, तो कभी बाजी देसी घी में खाना बना लेना चाहिए जब बच्चों का दिल कर रहा हो। तो बहुत मज़ेदार हंडिया बनी है, आप पसंद आए? बहुत मज़ेदार, बताएं। हाँ जी, मेहनत बहुत लगी है, मजे दे मजे दे मजे दे। तो रोज ही पका है, रोज ही कोरमा खाती है आप? रोज स्वाद है ना। अच्छा, तो मसाले वाले हंडिया में जब इतने ज्यादा मसाले डाले जाए परफेक्ट, तो फिर कोरमा ही बन जाता है जी। तो मेरा जैसे हंडिया में जी ये जो इतनी मेहनत से हमने बनाई है वो चने गलाने में, टाइम तो काफी लग जाता है लेकिन टेस्ट बहुत आता है। तो नीरज आप खाना खाएंगे और इसके साथ आप आपसे इजाजत लेंगे जी। तो हंसने रिवायत रिक्वेस्ट होती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देंगे। तो इतना अच्छा खाना खाने पर जी आपको जरूर शुक्र अदा करना चाहिए, और जितने भी हमारे बहन भाई दोस्त अहबाब जी हमारी वीडियो वॉच करते हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सबके रिश्ते जी आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा करना सबको जी तो ठीक है। व्यूअर्स इसके साथ ये नहीं इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़। अभी सुलेमान ने आ जाना है जी, शोर करना है, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, फिर बाद में बड़ा शोर करता है। और ये देखें जी चने गाल चुके हैं, ये देखिए इसकी लुक दिखा देते हैं जी चनों की, ये देखिए जी बहुत जबरदस्त, ये देखिए।